स्कूल में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, क्रिएटिंग मैजिक इन योर लाइफ। आई डोंट नो इतने पेरेंट्स इस चीज के बारे में अवेयर है, बच्चों ने आके घर में बताया या नहीं बताया, काफी पेरेंट्स कह रहे अवेयर है। तो जिनके बच्चे यहाँ से ये चीज सीख के जा रहे हैं, दे आर रियली क्रिएटिंग मैजिक इन देयर लाइफ। मैं पूरा शो नहीं देख पाती हूँ, सदर पेरेंट्स की आदत यूट्यूब में जाके ब्लैक करके सर्च करते हैं मेरा बच्चा दिख रहा है कि नहीं। मैं वही चीज करती हूँ और उसके बीच बीच में थोड़ी क्लिपिंग्स मैं सुन लेती हूँ। तो उसने बहुत अच्छी बात एक बार क्लिपिंग के बीच में मुझे सुनाई थी कि नेवर काउंट योर कंप्लेंट्स, ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड इफ योर ड्रीम इज देयर। आप अपने ब्लेसिंग्स काउंट करते करते वहाँ पहुँच रहे हो और कंप्लेंट्स काउंट कर रहे हो तो आप भूल आ रहे हो। तो अगर आपके बच्चे ने कोई ड्रीम देखा है, कोई एम्बिशन रखा है और वो ये चीज इस स्कूल से सीख के जा रहा है कि मुझे कंप्लेंट को काउंट नहीं करना, बिकॉज मैं चाहती हूँ हर एक पेरेंट की एक लिमिट होती है, एक बच्चे की एक फैमिली की लिमिट होती है, वो खुद का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से हर एक जगह नहीं कर सकता। जो मैं मेरे बच्चे को नहीं दे सकती, मुझे पता है अदर पेरेंट्स दे सक रहे होंगे और या मैं दे पा रही हूँ वो अदर पेरेंट्स नहीं दे पा रहे। सबके अपने अपने क्राइटेरिया है, सबके अपने अपने कंप्लीट से लाइफ के डिटेंसेज है। तो अगर हम उनको ना काउंट करके जो मिला है उस पर ध्यान दें तो आपके बच्चे बहुत जल्दी अपने टीम अपने एम्बिशन तक पहुंच जाएंगे। तो ये इंग्लिश की क्लिपिंग सुन के मुझे लगा कि नहीं, मैं स्कूल जा करके मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल करूंगी प्रिंसिपल मैम को और गरिमा मैम, जिन्होंने भी इनोवेटिव आइडिया स्कूल में लेके आए। ठीक है, सिलेबस चल जाएगा, कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद बच्चे कवर कर लेंगे और टीचर्स करवा भी देंगे। लेकिन ये चीजें जो ये अपने बच्चे यहाँ से सीख के जा रहे हैं, आई डोंट नो कोई और स्कूल उनको सिखाएंगे।